नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों के राजनीतिक कुंड। आज बात करेंगे बैगो विधानसभा सीट के बारे में। यहां से कांग्रेस ने एक बार फिर राजेंद्र सिंह बिदोड़ी को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने एक बार फिर सुरेश धाकड़ को मौका दिया है। यहाँ के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बैगो सीट पर कांटे का मुकाबला हुआ था। 2018 में यहाँ पर 8 उम्मीदवारों में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला रहा था। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बिदोड़ी को 99,259 वोट मिले, जबकि बीजेपी के डॉक्टर सुरेश धाकड़ के खाते में 97,598 वोट आए। यहाँ पर इन दोनों के बीच कांटे का मुकाबला अंत तक चला और फिर फैसला कांग्रेस के पक्ष में गया। कांग्रेस ने 1,661 मतों के अंतर से यह जीत हासिल की थी। बैगो विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पर कड़े मुकाबले होते रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस की पकड़ है। जिले की बैगो विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2013 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश धाकड़ ने कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र सिंह बिदोड़ी को 21,296 मतों के अंतर से हराया था, जबकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागे हुए निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह राठौर ने भी कड़ी चुनौती पेश की और 19,837 वोट पाकर वे तीसरे नंबर पर रहे। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बिदोड़ी ने तब के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ को यहाँ से हराया था। बिदोड़ी ने बेहद कड़े मुकाबले में 643 मतों के अंतर से उन्हें हराया था। इस तरह से पिछले 3 चुनाव में 2 बार कांग्रेस को जीत मिली और 1 बार यह जीत बीजेपी के खाते में गई। इस बार इस सीट से जीत किस पार्टी के खाते में जाएगी ये तो जनता तय करेगी। बैगो विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध नहीं होने से पलायन कर रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का मुद्दा हर चुनाव में उठता रहा है। यहाँ चंबल का पानी लाने की मांग क्षेत्र में पेयजल संकट लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के लोग चंबल से पीने का पानी लाने की मांग कर रहे हैं। बैगो में हमेशा से मेडिकल सुविधाओं की कमी रही है। यहाँ हर चुनाव में यह मुद्दा उठा रहा है। बैगो विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर 2,78,000 के आसपास मतदाता हैं और सभी जाति के वोट यहाँ मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ से चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों के लिए उनके समाज के वोट काफी मायने रखते हैं। ये वोटर्स उनकी हार और जीत तय करते हैं। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बिदोड़ी की तो वे कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2008 में बिदोड़ी संसदीय सचिव भी रहे हैं। इन्होंने गुर्जर आंदोलन के चलते इस्तीफा दे दिया था। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ की तो ये 2013 से 2018 तक बैगो से भाजपा विधायक रहे हैं। इन्होंने साल 2018 में भी चुनाव लड़ा था, मगर नजदीकी मुकाबले में राजेंद्र सिंह बिदोड़ी से ये हार गए। साल 2020 में ये चित्तौड़गढ़ में पंचायत चुनाव में उतरे और जिला प्रमुख बने थे। इस बार बैगो विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तय करेगी। आज बात की बैगो विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।